परेशानी आम लोगों को होती है। बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मोहन यादव, मुख्यमंत्री आज मैराथन बैठक करेंगे, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा करेंगे, नगरीय प्रशासन और स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे, विधानसभा में तीनों विभागों की अलग अलग बैठक होगी, बैठक में विभाग के मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव और वित्त से जुड़े अफसर भी मौजूद रहेंगे। दोपहर 12 बजे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक होगी और दोपहर 12:30 बजे नगरीय प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक होगी और 1 बजे स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव। लगातार बैठकों का दौर जारी है और जब से मुख्यमंत्री बने हैं मोहन यादव बैठक कर रही है, बैक टू बैक बैठक कर रही है और कई बड़े फैसले अब तक लिए भी जा चुके हैं। वासु चौरे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। वासु, आज किन चीजों को लेकर ये बैठकें होंगी और इसका असर आने वाले समय में प्रदेश पर कितना ज्यादा पड़ेगा? हाँ, निश्चित तौर पर अंशिका, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बैठकें हैं क्योंकि मध्यप्रदेश में नई सरकार का गठन हुआ है, सरकार के नए मुखिया हैं मोहन यादव और कहीं ना कहीं गुड गवर्नेंस जो है वो फोकस है और इसके लिए ये जरूरी हो जाता है कि तमाम जो विभाग हैं वो तमाम जो विभागों का काम काज है वो सुचारू रूप से चल सके, वो अपनी डिलीवरी बेहतर रूप से पब्लिक डोमेन में कर सके और इसके लिए लगातार मंथन की जरूरत आवश्यकता जो है वो होती है। और आज तीन बड़ी बैठकें और तीनों ही बैठकें विधानसभा से लेते हुए नजर आएंगे डॉक्टर मोहन यादव, चाहे वो स्कूल चाहे नगरीय प्रशासन विभाग की बात हो, ग्रामीण पंचायत विभाग की बात हो, शिक्षा से संबंधित विभागों की बात हो, ये सारी बैठकें जो है वो होंगी और इस बैठक में जो विभाग के अलग अलग आला अधिकारी हैं, सचिव हैं, प्रमुख सचिव हैं, उनको मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं और विभागों के अब तक के कामकाज खाका लेकर जो अफसर हैं वो बैठक में पहुंचेंगे और इसे मोहन यादव के सामने प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा आगे की क्या कुछ कार्य योजना है इसके बारे में भी जो बैठक है उसमें चर्चा होने जा रही है, तो ये बैठक अपने आप में खास है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, मोहन यादव कमान संभालने के बाद से ही लगातार एक्टिव जो है वो नजर आ रहे हैं, बैक टू बैक बैठकें कर रहे हैं, मैराथन बैठकें कर रहे हैं, महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देने का काम कर रहे हैं, कई बड़े फैसले भी हुए हैं और ये दौर आने वाले समय में भी जारी रहेगा। अंशिका, ठीक है, बहुत शुक्रिया वासु जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार बैठकों का दौर जारी है और आज भी कई बैठकें होंगी और उज्जैन से एक बड़ी खबर आ रही है, जीएसआई की टीम उज्जैन पहुंची।